हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स, आज मैं रवा उत्पम बनाने जा रही हूँ। वैसे तो जो उत्पम है वो दाल चावलों को भिगोकर बनाया जाता है, पर जो रवा उत्पम है बहुत जल्दी बन जाता है और सभी को बहुत पसंद आता है। तो अगर हमें उत्पम को जल्दी बनाना हो तो आप रवा उत्पम बना के जरूर देखिएगा। ये सबको बहुत अच्छा लगता है खाने में और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप सूजी, जिसे आप रवा भी कहते हैं, वो ली है और उसी के मेजरमेंट के हिसाब से एक कप ही मैंने दही ली है। तो दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल रखनी है हमें। दही को मैंने हल्का सा फेंट लिया है। अब मैं इसको दही को सूजी में ऐड करूँगी। दही को सूजी में हमें अच्छे से मिलाना है जिससे हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। बहुत अच्छे से मिलाना है दही को। अगर जो हमारी दही है वो सूजी में अच्छे से नहीं मिलेगी तो सूजी अच्छे से नहीं फूल पाएगी। अब मैं इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें। इसको भी अच्छे से मिला लीजिए नमक को सूजी और दही में। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी। हमें एक साथ पानी को ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। इसको अच्छे से फेटूंगी जिससे जो हमारी सूजी है वो दही में अच्छे से मिल जाए। बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी है। बिल्कुल पतला बैटर नहीं बनाना है इसका, हमें हल्का सा गाढ़ा बैटर ये भी बनाना है। ये बैटर हमारा इस तरह का बनना चाहिए। थोड़ा सा और पानी अभी ऐड कर रही हूँ। इसको 5-7 मिनट तक हमें अच्छे से फेंटना है। हमारा जो बैटर है वो इस तरह से होना चाहिए। अब जो है मैं इसे रखकर आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी ढककर। आधा घंटा हो चुका है। अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बैटर है वो कैसा बना है। आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। ये मुझे हल्का सा गाढ़ा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा करके डालें पानी, क्योंकि ज़्यादा डालने से कहीं वो पतला ना हो जाए बैटर आपका। हल्का सा और पानी। इस तरह का बैटर होना चाहिए हमारा। अब मैं सारी सब्जियां जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है एक बॉल में इकट्ठी करूंगी। इसके लिए मैंने टमाटर, इसको मैंने बारीक काट लिया था। एक छोटी शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। एक प्याज, इसे भी मैंने बारीक काट लिया। इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सारी सब्जियों को बैटर में डालकर भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद सारी सब्जियों को अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें, हरी मिर्च, मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, थोड़ी सी इसमें निकाल ली है, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले।
थोड़ी सी हरी मिर्च जो है मैंने सब्जी में मिक्स करी है, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च में, और थोड़ी सी मैं बैटर में ऐड कर रही हूँ। तो चलिए अब उत्पम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने गैस को ऑन कर लिया है, इसमें मैंने नॉन स्टिक तवा रखा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। जब हमारा तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो अब इस ऑयल को अच्छे से पूछ देंगे टिश्यू पेपर से। हमारा जो तवा है वो गर्म हो चुका है, अब मैं इसे टिश्यू पेपर की सहायता से सारे फुला के अच्छे से पूछ दूंगी इसे। अब मैं इसमें बैटर डालूंगी। बैटर को डालने से पहले एक बार अच्छे से फेंट लिया उसे। यहाँ पे मैंने दो चम्मच से हल्का सा ज्यादा बैटर लिया है, इसको ऐसे फैला लें चम्मच की सहायता से। इसे हमें ज्यादा पतला नहीं बनाना है, हल्का सा मोटा ही रखना है इसे। अब इसके ऊपर जो मैंने सब्जियां मिक्स करके रखी थी वो ऐसे सारे में फैला दूंगी। सब्जियों को आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर आप बीन्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, या आप शिमला मिर्च हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। आपके बच्चे जो या फिर आप जो सब्जी खाना पसंद करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सब्जियों को हल्के से प्रेस कर दूंगी। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, तेज फ्लेम पे नहीं बनाना। अब हल्का सा ऑयल लगाऊंगी चारों तरफ और थोड़ा सा बीच में, और इसे 2-3 मिनट के लिए सिकने दूंगी। कच्चे में नहीं पलटेंगे, कच्चे में पलटने से हमारे जो उत्पम है वो फट जाएगा, तो इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से सिकने दें। जब ये ऊपर की जो है सतह हमारी हल्की सी सूखने जैसी लगे तब इसे पलट के देखेंगे कि हमारा नीचे का जो उत्पम है वो कैसे सिका है। जो हमारा उत्पम है वो ऊपर से सूखने लगा है, अब मैं इसे पलट के देखती हूँ कि नीचे का हिस्सा कैसा सिका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सिका है। ऐसे ही इसको 2 मिनट के लिए दूसरी तरह से सेक लेंगे। जो सब्जी वाला पोर्शन है उसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, क्योंकि ज़्यादा सेकने से हमारी जो सब्जियाँ हैं वो जल जाएंगी, उसे कम ही सेकना है हमें। मैंने सब्जी वाले पोर्शन को भी पलट कर देख लिया है, ये भी अच्छे से सिक गया है। अगर पलटते समय हमारी थोड़ी सब्जी जो है बाहर निकल जाए तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी बहुत निकलती ही है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। हमारा उत्पम बनकर बिल्कुल तैयार है। हमारा जो रवा उत्पम है बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, और खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम को अगर आपका कुछ हल्का खाने का मन है तो ये बहुत झटपट बन जाते हैं, और बच्चों के टिफिन में भी आप इसे दे सकते हैं। तो आप एक बार इस उत्पम को बना कर जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका ये रवा उत्पम बना कैसे। अगर आपको मेरी रवा उत्पम की रेसिपी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।